बैठ जाओ। अच्छा, सबने सही सही बोला, इसमें कुछ खास अलग है नहीं। फिर ही मैं एक बात थोड़ी बहुत बता दूं अपने तरीके से, अपने वर्जन की, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, जो प्लानिंग कमीशन होता था वो जैसे ही गवर्नमेंट बनती थी तो गवर्नमेंट आके, पता है गवर्नमेंट कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए, तो वो 5 ईयर प्लान देती थी कि हम आए हैं तो आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है, हम क्या क्या चीज में फोकस करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। ये काम करता था कौन बेटा? प्लानिंग कमीशन। ये काम कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। तो हर गवर्नमेंट आके सीधे आते साथ एक 5 ईयर प्लान देती थी, जिससे पहले दिन उसका कमिटमेंट हो जाता था कि आने वाले 5 सालों में उसको क्या क्या करना है, और 5 साल बाद हम चेक कर पाते थे कि भैया उसने कितना उसको पूरा किया और कितना उसको पूरा नहीं किया, ठीक है क्या। ये बहुत सालों तक चला, 2013 तक, 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आए। नाम वही है, प्लानिंग से नीति कर दिया। हिंदी में, इंग्लिश में प्लानिंग होता है, हिंदी में नीति होती है, बोलो हाँ या नहीं। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको हिंदी में बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, नीति आयोग। लेकिन कुछ इसके फंडामेंटल्स में चेंज किया गया, जैसे कि उसने बताया कि स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया। किसको इन्वॉल्व किया गया? स्टेट्स को, कि अब प्लानिंग का नीति आयोग जो नीति बनाएगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस में नहीं, स्टेट को भी कोऑपरेट करके बनाएगा। हर स्टेट का एक एक बंदा नीति आयोग का मेंबर भी होगा, जिसके दम पे क्या होगा, हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी चलता वैसे ही 5 ईयर प्लान टाइप ही रहता है, क्लियर है क्या। आप एक नीति आयोग नीति बनाता है, आने वाले सालों में हमको क्या क्या अचीव करना, और उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है क्या। नहीं आया कि आया, फटाफट बोलो, इतना ही है। वैसे तुमने करंट अफेयर्स भी पढ़ रखा है शायद से, नीति आयोग ना, कल ही पढ़ा। अरे वाह, उसमें ओवरव्यू बस लिया था, इसमें भी ओवरव्यू की जरूरत ज्यादा, ठीक है। इवॉल्व अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन यानी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है विजन शेयर्ड और एक होता है शेयर्ड विजन। एक क्या होता है? विजन शेयर्ड, और एक क्या होता है? शेयर्ड विजन। विजन शेयर्ड क्या होता है कि मैंने एक सपना देखा अपने देश के लिए, और वो मैं तुम सबको बता रहा हूं, या मैंने एक सपना देखा अपने अपने इस बैच के लिए, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, देखो बेटा अपना टारगेट ये है, हमको ये अचीव करना है, अपन को ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, अगर हम ये अचीव कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये मैं अपना विजन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, ये क्या हो गया? विजन शेयर। दूसरा क्या होता है? चलो हम सब मिलके एक सपना देखते हैं कि हमें इस बैच से क्या क्या सीख के जाना है। आइए हम सब मिलके, जब तुम्हारा और मेरा मिलके हमने एक सपना देखा तो वो क्या होगा? शेयर्ड विजन। तुम बताओ तुम ज्यादा मोटिवेटेड किसमें रहोगे, विजन शेयर्ड में कि शेयर्ड विजन में? क्योंकि वो तुम्हारा भी अपना एक सपना होगा, मेरे सपने के तुम क्यों मोटिवेट होगे, पर तुम्हारा खुद का एक सपना होगा तो उसके तुम मोटिवेट हो जाओगे। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजाइज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। मतलब कि हमको स्टेट का क्या चाहिए बेटा? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स विद द स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब देश ग्रो करेगा, लेकिन एक के दम पे नहीं, सब एक दूसरे का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। नहीं आ रहा है कि यार, कुल मिला के स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया, वही कहानी बोल रहे बार बार अलग अलग अच्छे अच्छे इंग्लिश में, ठीक है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गांव लेवल पे प्लान, मतलब देश से लेके, मतलब सिटी से लेके गांव गांव तक क्या बनने चाहिए? प्लान बनने चाहिए। टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकोऑपरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। क्या? टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकोऑपरेटेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। मतलब नेशनल सिक्योरिटी को भी और इकोनॉमिक पॉलिसी को भी साथ में लेके चलना है। टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कई बार क्या होता है, सरकार की नीतियां आती जरूर है, पॉलिसीज आती जरूर है, पर एक एरिया या कई क्लासेस ऐसे रह जाते हैं जो बैकवर्ड रह जाते हैं। देखो हम कई बार पढ़ते हैं कि यार, थोड़ी सी अलग सी बात बोल रहा हूं, हम कई बार पढ़ते हैं कि यार ये जो क्या कोटा सिस्टम होता है, सुना है तुमने कोटा सिस्टम, कि कैटेगरीज को बेनिफिट मिलती है एग्जाम्स में, नौकरी में, ठीक है, रिजर्वेशन जो मिलती है ना, हम अक्सर सुनते हैं कि वो रिजर्वेशन गलत है। बताओ वो रिजर्वेशन सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ। मैं तुम्हारा कितने लोग बोलते हैं रिजर्वेशन सही है, और कितने लोग बोलते हैं रिजर्वेशन हट जानी चाहिए, या जो रिजर्वेशन है वो सही तरीके से नहीं है, इसको बदलना चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि जो है ऐसा ही सही है,
कितनों लोग बोल रहे हैं जो गलत है, बदल जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ और कोई हाँ बोलो कार्तिक, सही तरीका क्या होना चाहिए। हाँ हमारा ये पॉइंट रहता है कि जो पुअर है उनको मिले, मतलब कास्ट के बेसिस में नहीं होना चाहिए, इनकम के बेसिस पे होना चाहिए, यही बोलते हैं अपन सब। यही यही एक है जो सब जगह बातें चलती हैं, पर ये गलत है। कास्ट के बेसिस में ही होना चाहिए, ये हर किसी का अपना ओपिनियन है, ये मेरा एक ओपिनियन है। क्यों कास्ट के बेसिस होना चाहिए तुमको अब दो तीन में पॉइंट बताऊंगा। अगर इनकम के बेसिस में हो गया तो त्राही त्राही मच जाएगी, पूछो कैसे। इनकम की कोई प्रूफ है? आज 1 करोड़ कमाने वाला आदमी अपनी इनकम 10 लाख रुपए दिखाता है, जानते हो ये बात? 10 लाख दिखाने वाला आदमी अपनी आराम से कमाई कितनी दिखा देगा? 1 लाख। और 1 लाख कमाने वाला आदमी आराम से अपनी इनकम कितनी दिखा देगा? 10,000 रुपए। कोई इनकम का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है? मैं आज गरीब हूं कल अमीर हो सकता हूं? हो सकता है अमीर से गरीब दिखाऊं? अरे सरकार की इनकम टैक्स लेने में जान जा रही है। अमीर से अमीर आदमी अपने आपको गरीब से गरीब दिखा के टैक्स नहीं भर रहा? अरे गरीबों को राशन कार्ड गरीबों के बेसिस में मिलता है। राशन कार्ड किसके बेसिस में? इनकम के बेसिस में है ना। कि राशन किसको मिलेगा? सिर्फ गरीबों को मिलेगा। मिलता है गरीबों को? किसको मिलता है? सब अमीर लोग बीच में खा जाते हैं, हर किसी एक से एक साहूकार का भी राशन कार्ड बना हुआ है आज की डेट में। तो अगर ये देखो ना, तो राशन कार्ड एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। वो तो इनकम के बेसिस में था, तो क्या हुआ सही से इंप्लीमेंट? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकम इज अ डायनेमिक फैक्टर बेटा। हम ना बहुत आसानी से जनरलाइज कर देते हैं, जब रियल वर्ल्ड में किसी प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने जाओगे तुमको समझ में आएगा। इनकम के बेसिस में हम क्या कर देते हैं? जनरलाइज कर देते हैं। क्या जनरलाइज कर देते हैं? कह रहे इनकम के बेसिस में कर दो, पर इनकम का कोई ठिकाना ही नहीं है, इनकम का कोई प्रूफ ही नहीं है। मैं कितना कमाता हूं ये कई बार हो सकता है मैं खुद ना जानू, और दुनिया को के लिए प्रूफ कर पाना तो बड़ा आसान है, मैं कुछ भी बता सकता हूं। नहीं आ रही क्या? आ रही है। तो इनकम के बेसिस में कर पाना बहुत मुश्किल है रियल वर्ल्ड में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इनकम के बेसिस में कर दिया तो ज्यादा, आज अगर कोई एससी है तो वो पैदाइशी एससी है, वो एससी से चेंज होके जनरल में नहीं आ सकता, और जनरल वाला चेंज होके एससी में नहीं जा सकता। क्या बात समझ आ रही है? क्योंकि वो उसकी कास्ट है जो उसको उसको पेरेंटल से मिली है, वो चलती रहेगी, वो चेंज नहीं होगी कभी भी। क्या बात समझ आ रही? कोई फायदा के लिए अपने आप को एससी नहीं बना सकता। बात समझ आ रही है? कोई फायदे के लिए अपने जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट नहीं बना सकता, और कोई शेड्यूल कास्ट से उठ के जनरल में नहीं आ सकता। तो ये एक चीज है। यहाँ पे कास्ट में एक फायदा है कि वो स्टेबल है, वो स्टेगनेंट है, वो चेंज नहीं होती। पहली बात, ये बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बोलो। अरे बोल बच्चे। अब कई बार ये आर्ग्यूमेंट उठते हैं, जैसे मैं खुद जनरल में आता हूं तो कई बार ये आर्ग्यूमेंट उठते हैं कि सर हम जनरल वाले भी जो गरीब है कई बार जो नहीं कर पा रहे हैं, और कई एससी एसटी हैं जो क्या हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, बेटर हो चुके हैं, जिनको आज इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। है बहुत सारे, बिल्कुल ये तो फैक्ट बात है ना, कि बहुत सारे रिजर्वेशन वाले हो चुके हैं जिनको अब जो रिजर्वेशन से कुछ बन गए, अब उनके बेटे आएंगे तो फिर से रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे, फिर उनके बेटे आएंगे तो फिर से रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर रिजर्वेशन से आ गए बड़े आदमी बन गए तो फिर उनको क्यों मिल रही है? नुकसान है ये, तो बोलो हाँ या नहीं? और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दलित है, तो सारे दलित गलत, मतलब वो जो नीचे कास्ट वाले होते हैं जो बोलते हैं, जो क्लीनिंग का काम करते हैं, जो सफाई का काम करते हैं बोलते हैं, तो बोला जाता है कि नहीं ये दलित है। तो अब थोड़ी ना ऐसा होता है कि सफाई वही लोग करते हैं जो लोग दलित होते हैं, आज तो कोई भी करता है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? एक बार बता दूं, सारे दलित दलित अब वो काम नहीं करते, बहुत सारे ऊपर आ गए, लेकिन जितने वो सफाई वाले काम करते हैं वो सारे कौन है? दलित है। बात समझ में आ रही है? तुम्हें एक भी जनरल सफाई करने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें सफाई करने वाले सारे कब होंगे? दलित। मतलब सारे दलित नीचे वाले काम नहीं कर रहे, उठ गए हैं कुछ, लेकिन जितने लोग नीचे वाले काम कर रहे हैं वो सारे कौन है? आज भी दलित है। तो तुम बोल नहीं सकते कि कास्टिज्म, तुम गांव की बात मत करो, तुम शहरों की बात कर लो, तुम नहीं बोल सकते कि कास्टिज्म खत्म हो गया है। क्या बात समझ में आ रही है ना? अगर कास्टिज्म खत्म हो गया होता तो जनरल तुमको वो काम कर रहा होता, दिख रहा होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों आज भी वो अपनी कास्ट के कारण वो नीचे वाला काम करने के लिए फोर्स्ड है? बात समझ में आ रही है? तो जब तक ये खत्म, हाँ कुछ चेंजेस आने की जरूरत है,
ये बात बिल्कुल सच है, मतलब ये कोई नहीं टुकरा सकता कि चेंजेस नहीं आने चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से हम नहीं बोल सकते कि इनकम के बेसिस में कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंट्री वाइड में जब कुछ इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं कि तुम्हारा और मेरा दिमाग बैठ के यहाँ पे सोच नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये होना चाहिए। एक बार एक फैमिली से किसी को मिल गया तो अगली बार उसकी फैमिली क्या हो जाएगी, इनएलिजिबल हो जाएगी, ऐसा कुछ बना सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि एक बार एक आदमी को मिल गया, वो हो गया एजुकेटेड, मिल गई उसको नौकरी, अब उसको नौकरी मिल गई तो अभी इज वेल वर्स है टू अपने बच्चों को पढ़ा दे, तो उसके लिए फिर क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी मेरी बोलने वाली बात है, रियल वर्ल्ड में इसको भी इंप्लीमेंट करने में 25 परेशानियां आएंगी, किसको मिला किसको नहीं मिला क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज लाने की इसमें आवश्यकता तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कास्टिज्म वाला ये खत्म हो जाना चाहिए, हम ये भी नहीं बोल सकते कि इनकम के बेसिस में हो जाना चाहिए, हम ऐसे भी नहीं बोल सकते। हाँ, जो जनरल वाले बैकवर्ड है उनके लिए कुछ एडिशनल हेल्प होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? वो गरीब है लेकिन वो शोषित नहीं है। बात समझ में आ रही है? आज भी तुम पढ़ोगे ना, जो कास्टिज्म वाले हैं वो शोषित है बेटा। शोषित का मतलब क्या होता है? प्रताड़ित, उनके साथ गलत होता है, एक्सप्लॉइटेड है। क्या बात समझ में आई? और तुम आज भी बहुत सारे, मतलब मैं सिटीज की बात कर रहा हूँ, जैसे जहां तुम बैठे हो और बड़ी सिटीज में, तुम कभी अपने किसी सीनियर बड़े से, घर के बड़े से किसी बात करोगे ना, तो भी आज लोगों की वो मेंटेलिटी है। कि बात समझ में आ रही? और जब तक वो मेंटेलिटी खत्म नहीं होगी तब तक ये खत्म नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है कि कई बार गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है वो बैकवर्ड रीजन या बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए बना है टू पे स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा टू द सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बीइंग बेनिफिट एडिक्वेटली फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा हो नहीं रहा है, देश बढ़ता जा रहा है लेकिन कुछ लोग हैं जो पीछे ही रहते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश किससे है? हमसे। कौन है देश? हम ही और आप तो देश हैं। क्या बात समझ में आ रही? जिस दिन पूरा भारत ग्रो करेगा उस दिन भारत की ग्रोथ में हम फक्र करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ओवरऑल हम पढ़ते हैं ना नेशनल कम में, जीडीपी एंड वेलफेयर आर नॉट द सेम थिंग। क्या बात समझ में? सिर्फ जीडीपी के बढ़ने से अपने आप को अमीर नहीं बोलने लग जाना, अपने देश के लिए खुशी मत मनाने लग जाना। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फटाफट बोलो। टू डिजाइन द स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्राम्स प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी। मतलब क्या है? स्ट्रेटजीज बनेगी, टर्म पॉलिसी बनेगी, प्रोग्राम्स बनेंगे और उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। द लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शंस। क्या बात समझ में आ रही? अगर कुछ गलतियां लगी तो ठीक कर लेंगे। हम पढ़ क्या रहे? नीति आयोग। नीति आयोग काई काई के लिए बना है। क्या बात समझ में आ रही है? शेयर्ड विजन के लिए स्टेट्स, है ना, मेन मेन बातें बोलते जा रहा हूँ। पहला क्या है? शेयर्ड विजन के लिए। दूसरा, स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स में एक स्ट्रॉन्ग नेशन, बोलो हाँ या नहीं। और क्या है? प्लान्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है क्या? बैकवर्ड एरिया में भी इसकी फैसिलिटी पहुंचे उसके लिए। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज, तीन तीन काम, बाप रे। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज, पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मतलब कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, नेशनल कोलैबोरेशन हो, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ, जहां पे क्या हो, दोनों देश की ग्रोथ के लिए। बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री आज उस दौरे में गए, बायोलेटरल एग्रीमेंट करके आए हैं, ठीक है। आज प्रधानमंत्री रशिया गए, वहां बायोलेटरल एग्रीमेंट करके आए। बायोलेटरल एग्रीमेंट मतलब हम यहाँ से दोनों के फायदे के लिए एक एग्रीमेंट करके आए कि हम आपको इस चीज का इतना इतना बिजनेस देंगे, आप हमारे देश में इतना इतना इन्वेस्टमेंट करो। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। टू क्रिएट नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स, वही वाली बात बोली है। टू ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, कोई अगर इंटर डिपार्टमेंट इशू है तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एक हेल्पलाइन या कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे मदद हो सके। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर कैन बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटी, कैसे देश का बेटर डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए रिसर्च वर्क किया जाएगा। क्लियर है कि रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। एक्टिवली मॉनिटर, बहुत मजा किसी का, अलग हो तुम दुनिया से, पता है तुमको, ठीक है। टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेस सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप डिलीवरी। मतलब क्या करना है हमको? नए नए इंप्लीमेंटेशन चेक करते रहना है और वो कैसे सही से हो रहे हैं। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर द
फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव वर मेंशन्ड अबव। सारे पॉइंट्स तुम घर से पढ़ के आए थे, बोलो हाँ, अब इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं समझना है वो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा डिटेल में। कहाँ पे लिखा हुआ है? To maintain state of the art resource center, ठीक है क्या? हर स्टेट का एक एक रिसोर्स सेंटर बनेगा, ठीक है क्या? बी अ प्रोपेस रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड दी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब कुल मिला के रिसर्च सेंटर, मतलब हर स्टेट अपनी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट टाइप का बनाएगा, जहां पे वो लोग रिसर्च करेंगे कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं, और वो जो लेके आएंगे वो फिर पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है क्या? मतलब स्टेट, जैसे मान के चलो एमपी ने कुछ अच्छा किया, दिल्ली ने स्कूल्स मॉडल या कुछ अच्छा किया, के बाद समझ में आ रही है, मान के चलो गुजरात ने कुछ और अच्छा किया, तो वो सारे अपने अपने मॉडल बनाएंगे कि क्या बेटर। बोलते ना गुजरात मॉडल, बोलते ना दिल्ली मॉडल, ये क्या है कि ये इनके रिसोर्स सेंटर से निकल के आए कि इनने कैसे काम किया, पूरे एक स्टडी, मोहल्ला क्लिनिक्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, फिर उसको अगर आप प्लानिंग कमीशन में सबमिट करोगे तो पूरे देश लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पेपर में बड़ा अच्छा लगता है, असल में पॉलिटिक्स ही चलती रहती है आपस में ही, क्या बात समझ में आ रही है? इसने अच्छा किया, उसने खराब किया, मानते कभी है नहीं गवर्नमेंट वाले किसने अच्छा किया किसने नहीं किया। चलो और पूछो, कौन सा? टू प्रोवाइड एडवाइस वाला, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन स्टेक होल्डर, की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च, कुल मिला के देश के अंदर की जो चीजें हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, एक देश दूसरे देश से, अपने पढ़ा था ना एक जापान एग्रीमेंट की, यहां से वहां पे भेजे जाएंगे लोग सिखाए जाएंगे, बोलो हाँ या नहीं? ये सब क्या ऐसे अलग अलग एग्रीमेंट्स हुए एक दो देशों के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में, जहां पे क्या होगा ओवरऑल हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, और एक मिलके हम जहां थिंक लाइक माइंडेड लोग हैं, तुम्हारी मेरी वही सोच है, मेरी वही सोच है, हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा नया स्टार्टअप लेके आए, कुछ ऐसा करके आए जिससे क्या हो दोनों देशों को क्या हो फायदा हो, या दो स्टेट्स है तो दोनों स्टेटों का क्या हो फायदा हो, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, स्टेट टू स्टेट भी कर सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोला है। अभी अपन एमसीक्यू करेंगे तो पता चल जाएंगे, ठीक है? चलो और कुछ? हाँ, मैं बस ये बता दूं फिर बोलता हूं। टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेलुएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनाए, कोई भी स्कीम आई है, जनधन योजना, कोई भी स्कीम आई है, तो उसको अच्छे से मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज, उसमें कितना पैसा लगेगा, सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड कोई भी अगर स्कीम लेके आती है सरकार तो उस पर नजर रखना, उसमें मॉनिटर करना, उसको इंप्लीमेंट कराना, पूरे इंप्लीमेंटेशन तक उस पर ध्यान रखना ताकि उसका सक्सेस रेशियो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर सरकारी कोई स्कीम है, जैसे भारत सरकार कोई जनधन योजना लेके आई, कोई भी योजना लेके आई, अलग अलग योजनाएं अपन ने पढ़ी ना पहले, इसके पहले तो कोई भी सरकार अगर योजना लेके आई है तो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्कीम सही से होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ, आखिरी फिर मैं बोलूंगा। हाँ, नहीं नहीं नीति आयोग का नहीं था वो, कौन सी स्कीम थी तुम्हारी? स्किल इंडिया, कौशल योजना ना, तो वो एनएसडीसी, डेवलपमेंट ऑफ एनएसडीसी था, ठीक है क्या? अब इन सारी स्कीमों को एक बार नजर कौन रख सकता है ऊपर से? नीति आयोग भी रखेगा कि वो किसके अंदर आ रही है। हाँ, अगर वो उसके, मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आता होगा तो क्या समझ में आ रही है? चलो अब मेरे को एक बात बोल दो, इनको ना एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीति बेसिक समझ में आ गया ना, फंडामेंटल कंक्लूजन निकल के आ गया ना, क्योंकि आधी लाइन आधी ज्यादा बातें क्या है, जनरल लिखी हुई है ऊपर ऊपर से, क्या बात समझ में आ रही? कोई ठोस पॉइंट नहीं है, तो तुम्हें बेसिक सेंस समझ में आ गया, आगे बढ़ो। फंसना कहां पे? एमसीक्यू में जाके, जहां जाए एमसीक्यू फंसो, पर एमसीक्यू सॉल्व करना। याद रखना सीएसईटी में सारे सब्जेक्ट्स में, खासकर मैं इकोनॉमिक्स के लिए अब भी क्लियर बोल दे रहा हूं, दो बार से ज्यादा रीडिंग नहीं करना, 10 बार एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। जो बुक मिली है तुमको एमसीक्यू की पूरी बुक 3 बार होनी चाहिए, लगा डालो पूरे एमसीक्यू, उसके बाद समझ में आ रही है? बुक में कवर्ड है चाहे नहीं है, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउट पूछो और कवर करो, लेकिन मुझे वो बुक पूरी 3 बार चाहिए। आप देखना फ्लाइंग कलर से पास हो गए, जो हमसे मिली है यहां से, क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक मिली है ना, एक पूरी एमसीक्यू की क्वेश्चन बैंक एक मिली है, वो क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट में तो कोई एमसीक्यू है ही नहीं, आईसीएसआई तरफ से पतली सी आई है ना, वो तो 350 वो तो करने ही करने, वो और ये, मतलब जितने भी एमसीक्यूज हैं जो आईसीएसआई की तरफ से आई है, वो प्लस
जो हमने दिए वो दोनों एमसीक्यू बुक मिला के पूरी एमसीक्यू बुक कम से कम 3 बार करनी है, आप 100% अच्छे नंबरों से पास होगे अगर आपने उसको 2 से 3 बार कर लिया तो। और मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है उसको करना, ठीक है। अभी आपके पूरे पूरे 2 महीने बचे हैं। अरे बोलो बेटा, ठीक है चलो अगला क्या है। वही रियल वर्ल्ड में मैंने वही बोला ना, पॉलिटिक्स चलती रहती है आपस में। क्या बात है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ चेक किया तो बीजेपी गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्या बात समझ में आ रही है। तो बोलने के लिए रहता है कि हाँ स्टेट और ये सारा चल रहा है, पर एक्चुअली में अंदरूनी पॉलिटिक्स ही चलती रहती है उनके। वही 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 नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर विद द नेसेसरी रिसोर्सेज नॉलेज एंड स्किल्स दैट विल इनेबल इट टू एक्ट विद स्पीड प्रमोट। अरे क्या कर रहे हो, सुन लो बेटा, मतलब ये एक रिसोर्स सेंटर बन गया हर स्टेट के लिए। हर स्टेट दरवाजा खटखटा सकता है, किसका? नीति आयोग का, जहां पे वो उनसे आइडियाज ले सकता है, प्लानिंग ले सकता है, उनका दिमाग ले सकता है, उनसे रिसोर्सेज भी ले सकता है। इसलिए क्या बोला है, स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। एमपी गवर्नमेंट को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है, नीति आयोग का दरवाजा खटखटाएगा, वहां से नॉलेज लेगा, वहां से पैसे लेगा, सारी चीजें लेगा। क्लियर है क्या? नीति आयोग इंटायर गेमट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन हेड्स, ठीक है। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म समझ गए हो क्या अभी आप? स्टेट और ने मिलकर काम करेंगे। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कोई भी स्कीम है उसको कितने दिन मॉनिटर इवेल्युएशन किया जा रहा है। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, वो अपने पास खुद जो जो नीति आयोग की टीम होगी उसमें एक टीम का एक होगी इनोवेशन की और इन सबकी, जो खुद रिसर्च करते रहेंगे अपने में, जो किसी स्टेट को एडवाइस देने में भी काम आएगा और पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करने में भी काम आएगा। मतलब नीति आयोग की एक टीम होगी जो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड रिसर्च कर रही है पूरे टाइम कि और कैसे बेटर किया जा सकता है, नई स्कीम्स कौन सी लाई जा सकती है, किसी भी स्कीम को और कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्या सुन भाई, तो उनके पास एक थिंक टैंक है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। कौन है नॉलेज एंड इनोवेशन? नीति आयोग। आप नीति आयोग का दरवाजा खटखटा के ये काम करवा सकते हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या क्या है नीति आयोग का काम? फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बोलो हाँ। दूसरा क्या है? मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कोई भी स्कीम कितनी अच्छे से सही हो रही है नहीं हो रही है। एक्ट एज अ रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, ठीक है। रिसोर्स सेंटर नॉलेज हब मतलब कोई भी स्टेट जा सकता है, अब वहां से रिसोर्सेस नॉलेज इनोवेशन सीख के आ सकता है, या वो मदद करेगा बाकी स्टेटों को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। आखिरी क्या है? डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, क्या बस पॉलिसी वगैरह बनाने में मदद करेगा या बना के देगा। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो। पक्का? अब ये विजन मिशन पढ़ लोगे क्या? ठीक है, यहां पे नीति आयोग मैंने आपको करा दिया है, प्रोजेक्ट 7E मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है क्या? प्रोजेक्ट 7E मैं आपको बाद में कराऊंगा। डाउट्स हैं क्या तुम्हारे उसमें, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में? बहुत सारे। आया मजा, आया मजा। मैं वही तो, मैं यही बोल रहा हूँ, बुक से नहीं आएगा पेपर, यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने टाइम हो तुम लोग माने नहीं रहे हो। ऑनलाइन क्लास मैंने चालू की थी, कोई ज्वाइन नहीं किया। निशिका पटेल, तो फिर आज से कोई एक बच्चा, जब मैं एक्चुअली फोन नहीं लेके आता ना क्लास में, मैं बाहर रख के आने की आदत है मेरी, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ पूरे टाइम। तो कोई एक जन आज जिम्मेदारी ले ले कि रोज मैसेज डाल दिया करेगा, कौन डालेगा? डेली है क्लास शुरू होने टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं इतना घुसा रहता हूँ कोर्स ही में कि भूल जाता हूँ। चलो और क्या है नेक्स्ट, वो निकालो ना क्वेश्चंस। हाँ अब देखो, एक चीज मैं चाहूंगा अपने डाउट्स को थोड़ा सा फिल्टर कर। अब किसने बोला था, पीछे आंसर देखो, उसने बोला था, तो अब मैं उसमें क्या डाउट समझाऊंगा बेटा? पता है इसने बोला था, अरे समझ में आ रही है, मैं क्या डाउट समझा? डाउट क्या होता है, डाउट का मतलब क्या होता है? इसका आंसर सी क्यों हुआ। अब ये किसने कहा था, राम ने कहा था, अब राम ने क्यों कहा, अरे किसने कहा था, राम ने कहा था, अब इसका मैं क्या समझाऊंगा? उसका कोई आंसर थोड़ी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो सकता है। तो सारे डाउट्स
क्या कर रही हो? चलो तो सारे डाउट्स एक काम करें, सुनो ना, कल टेस्ट ले लें बिना डाउट्स लिए। मतलब मैं ले सकता हूं डाउट्स अभी, पर मैं चाह रहा हूं कि एक बार खुद से टेस्ट हो। हाँ अभी तक तो यही दे रहा था, इसमें से कुछ यही दूंगा कुछ बाहर के भी दूंगा। क्या बोलते हो करें एक बार? क्योंकि सब लोग पूरे पूरे नंबर ला रहे, मेरे को लग रहा है जाते हैं पढ़ के आ जाते हैं 40 क्वेश्चन और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये देख के बताते हैं हाँ इसका तो। और क्या है पता, एक ही सब्जेक्ट एक ही चैप्टर का टेस्ट है, आज दिन भर कुछ नहीं पढ़ोगे, बस वही 40 क्वेश्चन पढ़ोगे, देख के आ जाओगे कल हाँ इसका बी है इसका सी है इसका डी है इसका ये, देख के 15 मिनट में सॉल्व कर लेते हो और बड़े। लेकिन मुझसे ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही ना बेटा, बात समझ में आ रही है? तो एक काम करो, पहली चीज तो मैं इसके डाउट्स नहीं ले रहा आज, लूंगा बाद में, लूंगा कल क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, है ना। दूसरी कुछ क्वेश्चन मैं बाहर के भी दूंगा, बाहर के मतलब बहुत ही बाहर के, क्लियर है क्या? चलेगा तो फिजिक्स पूछ लूंगा, ठीक है ना। अरे जोक समझने की कोई क्षमता रखते हो? साइंस छोड़ देना ना लायक, मैथ से क्वेश्चन दे दूं। क्या मैथ्स कभी सीएस में काम नहीं आती? मैं पहली बताई थी मैथ्स, मैथ्स इज नेवर यूजफुल इन सीएस। अगर आप सीए या कोई भी और कोर्स करने जाते तो मैथ्स थोड़ी बहुत काम आती, लेकिन काम नहीं आती ज्यादा, वेस्ट नहीं हुई मैथ्स। तो मैथ्स सीखी हुई जिंदगी में काम जरूर आएगी कहीं ना कहीं, इस बात की तो गारंटी है। हाँ नहीं बेटा आता है आता है। हाँ अच्छा हाँ ये चले, बच्ची ने एक बात पूछ ली, ये ट्रायंगल एंगल क्यों पढ़ाते हैं, कभी ट्रायंगल प्रूफ करने नहीं बोलते तो? तो ये सब का कोई कोई रियल वर्ल्ड में कोई यूज है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें बन रही हैं? ये जो तुम्हारा भी फ्लाईओवर बन रहा है, जो तुम्हारे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं जो भी सब यूज कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ सब पूरी, यहाँ पूरी ज्योमेट्री लग जाती है तुम्हारी, कि बात समझ में आ रही, किस एंगल से कितना क्या खड़ा करना है, पिलर सीधा है कि टेढ़ा है, ये सब एंगल से नाप के ही पूरी ज्योमेट्री से यूज होता है, कि बात समझ में आ रही। हमको समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि रियल वर्ल्ड में यूज नहीं है बेटा, लेकिन बेसिक रियल वर्ल्ड में ज्योमेट्री मैथ्स हमेशा काम आती है। कल को तुम बड़े हो जाओगे कुछ भी काम करोगे, अरे तुमको अगर टेबल ही बनवाना है, कारपेंटर आके पूछेगा कितने बाय कितने का बना दे, तो तुम्हें इंचेस का फिट्स का कितने इंच में कितने फिट है इसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेसिक तुमको सिखाया ना, तुम्हें एकदम इंजीनियरिंग वाली नहीं सिखाई, लेकिन बेसिक तो सिखाना जरूरी है। आज तुम घर कल अपना घर बनवाओगे, कुछ भी काम करवाओगे, क्या बात समझ में आ रही? तुम्हारे यहाँ कारपेंटर आएगा, ठीक है कितने फिट की बना दे भैया, भैया फिट क्या होता क्या पता, कितने सेंटीमीटर के घना तो वो लगे हैं उस समय, ठीक है अपने हिसाब से बना दो भैया, इतना बड़ा बना दो, ऐसा नहीं होता। एक बात, कुछ भी चीज तुमने जिंदगी में पढ़ी है, कुछ भी, वो रियल वर्ल्ड से निकाल के आई है, इमेजिनरी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें इमेजिनरी होती है, लेकिन वो भी रियल वर्ल्ड की थ्योरीज पे बेस्ड है। हाँ लेकिन इंग्लिश की स्टोरी इमेजिनरी होती, पर वो क्यों पढ़ाई गई? मोना लोराल छोड़ो, वो वहां स्टोरी नहीं, वहां तुमको इंग्लिश सिखा रहे थे। अरे वो तुम्हें लैंग्वेज सिखा रहे थे ना, एक हिंदी लैंग्वेज सिखाते हैं तो क्या हिंदी की कहानी बताएंगे? उसमें तुम हिंदी पढ़ना सीखोगे, व्याकरण सीखोगे, इंग्लिश ग्रामर सीखोगे, क्या आज वो काम नहीं आ रही? तुमने पढ़ी उस समय स्टोरी, तुमको लग रहा था ये किसी काम की नहीं है, लेकिन तुम रीडिंग सीख गए उससे, आज तुम लॉ पढ़ रहे हो, तुम राइटिंग सीख गए, आंसर वहां पे लिखते थे इंग्लिश में, जब स्कूल में इंग्लिश का पेपर तो आंसर तुम्हें लगता था फालतू सब्जेक्ट है किसी काम का नहीं है। अरे बेटा उसी से राइटिंग स्किल डेवलप होती है जो आज सीएस में जाके काम आती है, जिसने वहां पे नहीं लिखी होगी इंग्लिश सही से उसको नहीं बनेगी। स्कूलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, हमेशा याद रखना, अब तो तुम्हारी हो गई है ना बच्चों के लिए याद रखना, ठीक है। एक अच्छा स्कूल बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान की पर्सनालिटी के लिए। हमको लगता है कि स्कूल में कुछ नहीं होता था, फालतू होता था, क्योंकि हम 12th में जब पहुंच गए बोर्ड एग्जाम आए, वहां बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, इसलिए हमने बोल दिया स्कूल फालतू होता है। भाई 10वीं तक जो तुमको बनाया है वो स्कूल ने बनाया, सच है ये बात, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलप नहीं हो पाया उसमें भी स्कूल की गलती, जो डेवलप हो गया वो भी स्कूल की फायदे वाली मतलब तारीफ। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों पर डेवलप नहीं हो पाते, वहां स्कूल की गलती होती है, मैं मानता हूं ये बात, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में हमको भयंकर को कैलकुलेटर में भयंकर मतलब हर एक बच्चे को
प्रॉपर पुश किया गया कि नहीं आपको आना है स्टेज में, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बोलना है। उस समय लगता था क्या प्रचलन करा रहे हैं यार इन लोग फालतू की, और आज लगता है उसी कारण है कि हम खड़े होकर 400 लोगों के सामने आराम से बोल देते, हमको कभी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उस समय जो सीखा, तो स्कूलिंग और अभी ये जो लर्निंग है तुम्हारी, अभी भी तुम्हारी जो अभी अभी तुमको लग रहा होगा ये सब फालतू है, मैं सही बता रहा हूँ, ये लर्निंग पीरियड जो चल रहा है ना तुम्हारा, अभी नहीं समझ आएगा कि इसकी क्या वैल्यू। इसकी वैल्यू कब समझ में आएगी? जब तुम नौकरी करने जाओ। स्कूलिंग की वैल्यू कब समझ में आ रही है? अभी, वो भी अभी रियलाइज नहीं, किसी को रियलाइज करानी पड़ती है। तुम्हारा लैंग्वेज का कमांड डिपेंड करता है तुम कौन से स्कूल से आए हो, देख लेना। मतलब मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक्स वाई जेड ऐसे स्कूल हैं शहर के जहां से बच्चे पढ़ के आते हैं तो लैंग्वेज में बेटर होते हैं। मैं जब 12th पढ़ाता हूं तो मैं स्पॉट कर लेता हूं, हाँ ये बच्चा इन चार स्कूलों में से होगा, और 80% टाइम सही निकलता है, क्योंकि वहां की पर्सनैलिटी दिख जाती, सच है ये बात, समझ में आ रही? तो उसी प्रकार से जो अभी तुम पढ़ रहे हो यार, पढ़ाई घर पे बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने भी हो जाती है, पर यहां से जो तुम सीख के जाओगे वो तुम वैल्यू करोगे कब? जब तुम्हें रियल वर्ल्ड में उसको इंप्लीमेंट करना होगा। जब तुम अभी एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, तो सीएसईटी की ये चीजें बहुत काम आएंगी तुमको, देखना। बस हर कोई कैरी नहीं करके जाता, कोशिश करना कैरी करके जाना एग्जीक्यूटिव में, और एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में। पढ़ाई को पढ़ाई जब तक बोझ समझ के पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे, और जिस दिन पढ़ाई को मजा बना दिया उस दिन मजा ही आती रही, कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी। चलो आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं, सफिशियंट ज्ञान हो चुका है आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रोजेक्ट साथ ई पढ़ोगे क्या? पढ़ के आओगे क्या होमवर्क में? क्या चलो अच्छा, चलो अच्छा, कोई बात, रो नहीं, कल टेस्ट है, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें।